हेलो गाइस, आज जो बताना है यूनियन बैंक का जो मोबाइल ऐप से डेबिट कार्ड का पिन कैसे बनाना। यूनियन बैंक का जो मोबाइल ऐप था अभी अपडेट हो गया, नाम चेंज हो गया, भी होम बोल के ऐप्स आ गए। यूनियन बैंक का ऐप से आपको बताएंगे डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट कर सकते, आपको लाइव बताएंगे, पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्टिव विश्वजीत। पी ओम बोल के जो ऐप से उसमें से बताएंगे डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करते, पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू करो गाइस। फोन में आ गया। फोन में आने के बाद यूनियन बैंक का पी ओम जो ऐप से को बताएंगे डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट कर सकते। जैसे आपका न्यू डेबिट कार्ड आए, न्यू डेबिट कार्ड अब मोबाइल बैंकिंग से पिन सेट कर सकते को लाइव बताएंगे। मैं यूनियन बैंक का ऐप्स पे आगे से आने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करके फिर आगे बताएंगे। गाइस देखिए, यूनियन बैंक का जो मोबाइल ऐप से मैं लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद आपको बताएंगे यूनियन बैंक का जो न्यू ऐप से पहले अलग था, अभी ऐसा आ गया। यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप आप अपडेट नहीं करा तो अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक का पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूरा बताते, यहाँ पे पूरा आप चेक कर सकते, हर चीज यहाँ पे मेंशन करते। जिसका नाम पे अकाउंट है उनका नाम पहले ही बता देता। उससे बाद आप नीचे आ जाइए। गाइस नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो आप ट्रांजेक्शन करे यहाँ पे बताते। नीचे देखिए यहाँ पे बता रहे, उसका ऊपर देखिए व्यू मोड बोल के लिखे सो आ रहे। व्यू मोड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते। आपका डेबिट कार्ड का पिन बनाना है, क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना है, कौन सा कार्ड का पिन बनाना है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। आप डेबिट कार्ड का पिन भी बना सकते, क्रेडिट कार्ड का भी पिन बना सकते। आपका न्यू क्रेडिट कार्ड आए तो भी यहाँ से पिन बना सकते, कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में बैठ के आप कर सकते। आपको बस मोबाइल ऐप रजिस्टर रहना, रजिस्टर नहीं रहे तो मेरा चैनल पे एक वीडियो है कस्टमर केयर से फोन करके कैसे डेबिट कार्ड का पिन बनाते, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल पे ढाले से यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड बोल के लिखे सारे, मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे पहले डेबिट कार्ड बोल के लिखे सो आते, नीचे देखिए अकाउंट नंबर बोल के लिखे सो आ रहे। उससे बाद देखिए अकाउंट नंबर का चार अक्षर बताते, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना। उससे बाद आपका कितना बैलेंस है यहाँ पे बताते। उससे बाद देखिए कौन सा डेबिट कार्ड है यहाँ पे बता देता, प्राइमरी डेबिट कार्ड है यहाँ पे बता दे रहे। उससे बाद आपका डेबिट कार्ड में जो नाम है यहाँ पे बता देता, डेबिट कार्ड का लास्ट चार नंबर बताते। उससे बाद डेबिट कार्ड का कितना लिमिट है यहाँ पे बताते। उससे बाद देखिए डेबिट कार्ड कितना दिन तक वैलिड है यहाँ पे बता देता। ये पूरा एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद जेनरेट कार्ड पिन बोल के लिखे सारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद जेनरेट डेबिट कार्ड पिन बोल के लिखे सारे, गाइस देखिए डेबिट कार्ड बोल के लिखे सारे, नीचे देखिए सिलेक्ट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड है यहाँ पे आ जाता। आपका दो कार्ड है, तीन कार्ड है, जितना कार्ड है यहाँ पे आ जाता। जिसका आपको पिन बनाना है वो कार्ड नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। मेरा यूनियन बैंक का एक ही मेरा कार्ड है, एक कार्ड यहाँ पे आ गया, लास्ट चार नंबर भी यहाँ पे बता दे रहे। उससे बाद देखिए एंटर एक्सपायरी बोल के लिखे सारे। आपका डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे ढालना पड़ता। डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है मैं यहाँ पे ढाल देता हूँ, ढाल के फिर आगे बताएंगे। यहाँ पे माइनस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे बाद साल सिलेक्ट कर लेना, डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट था यहाँ पे ढाल दिए। ढालने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड बोल के लिखे सारे, यहाँ पे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है 6 डिजिट का ओटीपी आता, ओटीपी यहाँ पे ढालना पड़ता। मैं ओटीपी ढाल देता हूँ, ढाल के फिर आगे बताएंगे। गाइस देखिए मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया था मैं ढाल दिए। ढालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। गाइस सबमिट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद देखिए सेट डेबिट कार्ड पिन, कंफर्म डेबिट कार्ड पिन बोल के आ गए। जैसा आपका न्यू डेबिट कार्ड आया उसका भी बना सकते, जैसे आपका भाई डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का पिन आप भूल गए वो भी यहाँ पे डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते। यहाँ पे देखिए सेट डेबिट कार्ड पिन बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद देखिए सेट डेबिट कार्ड पिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे चार नंबर आपको सेट करना पड़ता। यहाँ पे चार नंबर मैं ढाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं चार नंबर ढाल दिए। उसके बाद नीचे देखिए कंफर्म डेबिट कार्ड पिन बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। यहाँ पे देखिए कंफर्म डेबिट कार्ड पिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे पिन मैं फिर से वही पिन ढाल देता हूँ, सेम पिन ढाल देता हूँ।
गाइस देखिए पहले जो पिन डाला कंफर्म डेबिट कार्ड पिन बोल के जो लिखे सर है वहाँ पे भी सेम पिन डाला। नीचे देखिए प्रोसीड बोल के लिखे सर है, यहाँ पे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। गाइस सक्सेसफुली डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे राइट बोल के आ गया। उसका नीचे देखिए बेदर फास्ट बोल के आ गए। पेटीएम पे जाके एक बार चेक करना पड़ता, एक बार चेक कर लिए तो अब भी क्लियर हो जाते डेबिट कार्ड का पिन आपका सक्सेसफुली सेट हो गया बोल के। 100 रुपया भी उठा के एक बार चेक कर लीजिए। तो डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करना वो लाइव बताया, वो कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठ के आप कर सकते डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते, नया डेबिट कार्ड का भी पिन सेट कर सकते। आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का पिन भूल गए वो भी आप सेट कर सकते। तो आपको एक के बाद एक स्टेप बताया कैसे करना। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया यूनियन बैंक का जो मोबाइल ऐप से बी ओम बोल के जो ऐप से उसमें से पिन सेट करना पूरा वीडियो में आपको एक के बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।